एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ फेस्टिव होम डेकोर डीआईवाईज, जो कि बनाए हैं बिल्कुल वेस्ट सामान के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड प्रेस द लाइक बटन। तो आज के पहले DIY के लिए मैंने लिया है मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसकी एक स्ट्रिंग बना ली है। जो स्ट्रिंग है उसको मैं एस की शेप में बनाकर अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं बना क्या रही हूँ। जी हाँ, मैं बना रही हूँ गणपति टी लाइट होल्डर। तो यहाँ मैंने अपने स्टेंसिल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने क्ले को रोल कट करके कट किया है। ऐसे ही ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए मुझे ये टी लाइट होल्डर दिखा। इसे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसे DIY करके बनाया जाए। तो बस मैंने जैसे भी मुझे समझ आया स्टेंसिल्स बनाए और क्ले को रोल करके उसके ऊपर रखकर स्टेंसिल्स को कट कर लिया। जब ये सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो मैंने जो एस मैंने पहले बताया था ना कि एक बना के रखा है, उस एस के ऊपर मैंने इन सभी को पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के लिए मैंने क्ले ही यूज किया है और सभी के ऊपर मैंने पहले जेसो भी अप्लाई कर दिया था सो देट जो कलर है वो अच्छे से स्टे कर ले, क्योंकि क्ले जो होती है हमारी थोड़ी चिकनी चिकनी हो जाती है तो उसके ऊपर कलर स्टे नहीं कर पाता, इसलिए मैंने पहले जेसो अप्लाई किया। अब मेरे पास एक ग्लास की बॉटल थी जिसके अंदर एक कैप लगा हुआ था, तो मैंने इसी के ऊपर वो अपने स्टैंड को खड़ा किया, अच्छे से क्ले से पेस्ट कर दिया है। क्ले और फेविकॉल दोनों ये यूज किए थे मैंने इसे चिपकाने के लिए। पेस्ट करने के थोड़ी देर बाद एटलीस्ट 1 आवर के लिए मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब जब ये ड्राई हो गया तो मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है और देन इसको गोल्डन डस्ट के साथ हाईलाइट किया है। जब मैंने इसे ऑनलाइन देखा था तो जो भी डिजाइन मुझे समझ आया उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर डिटेलिंग ऐड की है। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। दूसरे DIY को बनाने के लिए मैंने एक बॉटल यूज की है। ये जो टैबलेट्स वगैरह आती हैं ऑनलाइन मैंने परचेज की थी, ऐसी कोई और बॉटल आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऊपर के पोर्शन को अच्छे से कट कर लिया है, देन इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है जैसो। अब काटना थोड़ा सा मुश्किल था, काटने वाला पोर्शन आप चाकू गर्म करके भी कर सकते हैं। ये वाला प्रोसेस गर्म करके, चाकू गर्म करके और काटने वाला प्रोसेस करते करते मैंने बहुत सारे चाकू खराब कर दिए हैं। तो अब मुझे लगा थोड़ी सी मेहनत ऐसे ही कर लेती हूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही कट किया एंड उसके बाद मैंने इसके ऊपर जैसो अप्लाई किया सो देट कलर अच्छे से स्टे करे। जैसो जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो सेम मैंने इसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक कलर ही अप्लाई किया है। ये प्लांटर DIY भी मुझे ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए जब मैं होम डेकोर DIY रिलेटेड आइटम सर्च कर रही थी वहां से मिला। मैंने छोटा सा बनाया है, अगर आपके पास थोड़ा बड़ा वाला कंटेनर अवेलेबल हो तो आप इसको बड़े साइज में भी बना सकते हैं। नाउ मैंने लिया आइसक्रीम स्टिक्स, बिकॉज मेरा ये कंटेनर बिल्कुल छोटा सा था, आइसक्रीम स्टिक्स इसका वेट इजिली कैरी कर सकते हैं। तो मैंने आइसक्रीम स्टिक्स गोल्डन कलर से कलर करने के बाद पेस्ट कर दी है। नाउ मेरे पास ये एक गोल्डन कलर का थोड़ा सा थ्रेड पड़ा हुआ था। अब बहुत टाइम तक तो सोचती रही ये थ्रेड बचा किस में से, फिर मुझे याद आया कि जो सूट के बैक साइड में लेस लगाते हैं ना लटकन के लिए, उसका ये थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था, ये भी मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो देखिए छोटा सा ब्यूटीफुल सा मिनी प्लांटर मेरा बनकर अभी तैयार है। अगर आप भी ये बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी है बनाने में, आप भी बना के देखिए एंड मुझे जरूर कमेंट करिएगा। तो अपने थर्ड DIY के लिए मैंने यूज किया है ये एम्प्टी कंटेनर। ये कंटेनर सेटाफिल क्रीम जो आती है ना
कोल्ड क्रीम, उसका है। क्रीम वाकई में बहुत अच्छी थी। अगेन सर्दियों में जरूर मैं रिकमेंड करूंगी, आप लोग ये बिल्कुल लगा के देखिएगा अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत बेनिफिशियल है। तो इसका ये जो खाली कंटेनर है ये मैंने यूज किया है, इसको सेम जैसो अप्लाई किया है, जैसो अच्छे से ड्राई हो जाएगा देन इसके ऊपर मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज किया है। फर्स्ट डीआईवाई के लिए जब मैंने क्ले यूज की थी तो थोड़ी सी क्ले बच गई थी, तो उसी बची हुई क्ले से मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स और ये एस टाइप में डिजाइन बनाया है। तो आप देखिए ये फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इनको मैं फेविकॉल की हेल्प से अपनी डब्बी, जो भी मेरा कंटेनर है, उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी, देन ड्राई हो जाएगा तब इसके ऊपर गोल्डन डस्ट से इनको हाईलाइट कर दूंगी। थोड़ा सा इसको कलर ऐड करने के लिए मैंने ये रेड कलर का जो गोटा थ्रेड होता है वो इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, सो दैट एक फिनिशिंग लुक आए। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक द वीडियो, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। नाउ ये भी बनकर इजीली रेडी हो गया और डिटेलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा गोल्डन हाइलाइटर से डॉट्स क्रिएट किए थे। अब एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा कंटेनर बनकर मेरा रेडी हो गया। यहाँ पर मैं अपने इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, बेटी के वो सब स्टोर करके इजीली रख सकती हूँ। पहली बार वो भी डीआईवाई देखकर खुश हुई कि चलो आज फाइनली मेरे लिए कुछ बनाया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।